आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बहुत ही जमीन सारी जी मैं भी जहाजों के नीचे नाम से थोड़ा से मात्रे पर जो है सेल के साइड में पड़ा हुआ है। मेरे मामू जी हैं, आज हम साथ दोनों मिलकर आपको बहरी जहाज भी दिखाएंगे। तो अभी पुल के साथ ही पुल के ऊपर ही खड़े हुए हैं। इधर जो है ना शायद आप नजर आए, इधर जो है ना अपना मिश्रे खाली साइड वहाँ पे पड़ा हुआ है शायद। क्या ये जो है ना पुल का जनूबी हिस्सा है, शुमाल से आ रहा है यहाँ से खगड़ियाल के आगे जो है ना, ये एक ही पहला ब्रिज है जो डीजी काम। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। तो अभी क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में इसमें पानी कम होता है, ये सूख जाता है बार बार। आप देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी कम है और ये सूखा हुआ है। आगे चल के आपको हम बहरी जहाज दिखाते हैं। जनाब हम पहुंच चुके हैं उस तारीखी बहरी जहाज़ के पास ही पहुंच चुके हैं, आपको दिखाने वाले हैं। बस थोड़ी सी इंतज़ार, थोड़ा सा सफ़र बाकी है, पैदल चल रहे हैं हम। तो ये देखें, ये दरियाए सिंध है, ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा सामने सूरज, इसलिए लाइट की वजह से थोड़ा कवरेज नहीं हो पा रही। ये इसके बारे में कुछ चंद एक मकामी लोगों ने अपनी राय दी है कि ये अंग्रेज़ दौर में यहाँ पर जो है ना चला करता था कार्गो शिप तरह का, इसमें सामान लाद कर इधर उधर लाते ले जाते थे। जैसे आगे डीजी खान से आगे डेर इसमाइल खान और डेर इसमाइल खान से डीजी खान, डीजी खान से आगे फिर जनूब की तरफ जाएँ तो कोट फंक्शन तक या फिर अलीपुर तक ये सामान जाना उसकी कार्गो करने में मदद करता था, सामान लाने ले जाने में। तो इसकी जो तारीख है वो काफ़ी पुरानी है, ये अंग्रेज़ दौर का था जब इधर अपना गाजी घाट वाली ये पुल भी नहीं बना कर बनी हुई थी तब से ही। आप गाजी घाट पुल पे आए गेड़ा देखने और आप मछली ना खाएंगे तो हो नहीं सकता। तो मछली घाट किया हुआ है, अभी बन रही, तैयार हो रही है, अभी आ जाते तो आपको टेस्ट दिखाते थे। मछली तैयार होकर आ चुकी है, मछली खाते हैं। आप भी चेक कीजिए, ज़बरदस्त तली हुई और मसाला इसमें डला हुआ है। शुरू करते हैं।